हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज मैं क्लास 8 के लिए जैक बोर्ड का इंग्लिश मॉडल पेपर लाया हूं, जो अपकमिंग 2021 में जो फाइनल एग्जाम होगा उसी के लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के पहले मैं बता दूं, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। हम जो भी वीडियो डालेंगे आप ही तक पहुंचेगा अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब किए होंगे तो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, पढ़ते हैं पैसेज को। क्या लिखा हुआ है? ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, स्कूल के पहला दिन, ईच स्टूडेंट हैज टू स्टैंड अप, प्रत्येक छात्र को खड़ा होना होता है, एंड टेल द क्लास 3 थिंग्स, और क्लास को 3 चीज़ें कहना होता है, हिज और हर नेम, उसका और उसकी नेम, ठीक है, नाम, द नेम ऑफ द विलेज, गांव का नाम, एंड व्हाट देयर फादर डिड, और पिताजी क्या करते हैं। माय नेम इज रामू, मेरा नाम रामू है। ओके, माय नेम इज रामू। माय विलेज इज मेलूर, मेरा गांव का नाम मेलूर है। माई फादर इज अ बस कंडक्टर, मेरे पिताजी एक बस कंडक्टर हैं। सेड द फर्स्ट चाइल्ड, पहला छात्र ने कहा। देन व्हेन, तब, जब, इट वॉज कलीज टर्न, जब यह कली की बारी आई, ही वॉज सो प्राउड, वह बहुत गर्वित हुआ, दैट ही फेल्ट लाइक अ बेलून, जैसे कि वह बेलून, उसे बेलून जैसा लगा, ठीक है। तो चलिए आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मैनी थिंग्स द स्टूडेंट हैड टेल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, कितने चीज़ों के बारे में कहना होता है स्कूल के पहले दिन में। हम पढ़े अभी 3 चीज़ों के बारे में कहना होता है, हिज और हर नेम, द नेम ऑफ द विलेज, एंड पिताजी क्या करते हैं, व्हाट देयर फादर डिड। ओके, तो आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 पर दिया हुआ है, हु बिलोंग्ड टू मेलूर विलेज, कौन? रामू। कौन? मेलूर विलेज में कौन रहता था? रामू, पहले ही लिखा हुआ है। माय नेम इज रामू, माय विलेज इज मेलूर, तो हु बिलोंग्ड टू मेलूर विलेज, रामू हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? रामू। ओके, नेक्स्ट वन पर चलते हैं, 23। क्या लिखा हुआ है? हु फेल्ट लाइक अ बेलून, किसने महसूस किया बेलून जैसा? इसका आंसर होगा रामू, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, कि सेड द फर्स्ट चाइल्ड, पहला बच्चा ने कहा, देन, तब, व्हेन इट वॉज कलीज टर्न, जब कली की बारी आई, ही वॉज सो प्राउड, बहुत गर्वित हुआ, ही फेल्ट लाइक अ बेलून, मतलब रामू ने क्या फील किया, बेलून जैसा फील किया, उसको हल्का लगा, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले, एट द फुट हिल्स ऑफ कट स्किल माउंटेन्स, देयर वॉज अ लिटिल विलेज, बहुत सालों पहले क्या था, फुट हिल्स ऑफ कट स्किल पर एक गांव हुआ करता था। कहाँ पर? फुट हिल्स ऑफ काट स्किल माउंटेन्स। ओके, इन दैट विलेज, उस गांव में, लिप्ट ऑलेज ऑलवेज अ सिंपल गुड नेचर फिलो नेम्ड रिप वैन विंकल, उस गांव में हमेशा एक सिंपल गुड नेचर, मतलब साधारण स्वभाव के, उनका क्या नाम थे, रिप वैन विंकल, उनका नाम था रिप वैन विंकल, रहा करते थे उस गांव में, सिंपल गुड नेचर, सरल स्वभाव के, ही वॉच अ काइंड नेवर, बहुत क्या थे न, काइंड नेवर मतलब दयालु पड़ोसी थे, ही वॉच अ काइंड नेवर, रेडी टू हेल्प एनी वन, मतलब वह हमेशा तैयार रहते थे किसी का भी सहायता करने के लिए। ओके, एवरी वन इन द विलेज, उस गांव में प्रत्येक लोग लाइक्ड हिम, उसको पसंद किया करते थे बोल सकते हो,
एवरी वन इन द विलेज लाइक्ड हिम, ठीक है, द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज, गांव के बच्चे, यहां लिखा हुआ है द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय, खुशी से झूम उठते थे बोल सकते हो, शाउटेड विद जॉय व्हेनेवर दे सॉ हिम, जब भी उन्हें देखते थे वो खुशी से चिल्लाते थे बोल सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं, 24 पर क्या दिया हुआ है, एवरी वन इन द विलेज लाइक रिप वी वैन विंकल बिकॉज ही वॉज, क्यों गांव के प्रत्येक लोग उन्हें पसंद करते थे, क्यों, क्योंकि वो सिंपल गुड नेचर फिलो थे, इसका आंसर हो जाएगा थ्री, ठीक है, सिंपल गुड नेचर फिलो। ओके मूव करते हैं नेक्स्ट पर, वेयर इज द विलेज सिचुएटेड, गांव कहाँ कहाँ था सिचुएटेड, फुट हिल्स ऑफ कार्सी किल माउंटेन, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, मैनी ईयर्स एगो एट द फुट हिल्स ऑफ कट स्किल माउंटेन देयर वॉज अ लिटिल विलेज, तो आंसर हो जाएगा फुट हिल्स ऑफ कट स्किल माउंटेन। ओके आंसर हो जाएगा, मूव करते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है, थ्री में आ गए, क्या लिखा हुआ है थ्री में देखिए, रितु वेंट्स टू राइट, रितु लिखना चाहती है, एन एप्लीकेशन एक आवेदन, बट हैज फॉरगॉटन, लेकिन वह भूल चुकी है, टू यूज द करेक्ट वर्ड, उपयुक्त जो वर्ड शब्द है वह भूल चुकी है, चूज द ऑप्शन गिवन इन द क्वेश्चन टू कंप्लीट द लीव एप्लीकेशन, मतलब छुट्टी का जो आवेदन है कंप्लीट करिए, टू यहां पर क्या होगा 26 पर, टू क्या होगा 26 पर द प्रिंसिपल हो जाएगा, क्या यहां पर लिखा जाएगा द प्रिंसिपल, ठीक है प्रिंसिपल, उसके बाद जीएम्स रांची डेट दिया हुआ है, यहां पर क्या लिखा जाएगा डैश सर ना रेस्पेक्टेड सर, क्या लिखा जाएगा रेस्पेक्टेड सर, क्वेश्चन मिलेगा, इसका क्वेश्चन मिलेगा रेस्पेक्टेड सर, ठीक है, फिर से बता देता हूं, टू द प्रिंसिपल क्या होगा, टू द प्रिंसिपल यहां पर भरा जाएगा, ठीक है, जीएमएस रांची डेट डैश सर रेस्पेक्टेड सर हो जाएगा, फिर मैं पढ़ता हूं क्या लिखा हुआ है, देखिए विथ ड्यू रेस्पेक्ट, क्या लिखा हुआ है विथ ड्यू रेस्पेक्ट, मतलब सम्मान के साथ, आई वुड लाइक टू से, मैं कहना चाहती हूं, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से पीड़ित था, पीड़ित थी, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर द लास्ट टू डेज, दो दिनों से, ठीक है, सो आई वॉज अनेबल, मैं असमर्थ था टू अटेंड, शामिल होने में बोल सकते हो, आई वॉज अनेबल टू अटेंड द स्कूल, स्कूल में ऑन डेट दिया हुआ है, ठीक है, आई देयर फॉर, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट यू टू काइंडली, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, दया भाव से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ग्रैंट मी लीव, मुझे छुट्टी दिया जाए फॉर टू डेज एंड ऑब्लिक, दो दिनों के लिए मुझे छुट्टी दी जाए, ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है डैश, क्या हो जाएगा थैंक यू हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा थैंक यू, फिर नेक्स्ट पर चलते हैं, योर ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी बोल सकते हो, राधिका कुमारी, रोल नंबर 14, क्लास 8, ठीक है, प्लीज चूज द करेक्ट आंसर, प्लीज चूज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर को आपको सिलेक्ट करना होगा, चयन करना होगा, क्या लिखा हुआ है देखिएगा, द पोस्टमास्टर द डायरेक्टर द प्रिंसिपल द एडिटर, हमने क्या भरे अभी द प्रिंसिपल, क्या भरे द प्रिंसिपल, इसलिए द प्रिंसिपल, नेक्स्ट पर आ जाइए, टू रेस्पेक्टेड ऑनरेबल हेलो या डियरेस्ट, हम लोग क्या भरे रेस्पेक्टेड भरे ना अभी रेस्पेक्टेड सर, फिर नेक्स्ट पर आ जाते हैं तीन पर, वेलकम मिस यू सी यू थैंक यू, हम लोग क्या भरे थैंक यू, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए फोर पर जाते हैं, क्या लिखा हुआ है चूज द करेक्ट आंसर, ओके हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर,
नाउन कितने प्रकार के हैं? बोलिए 1, 3, 4, 5 कितने प्रकार के हैं? इसका आंसर हो जाएगा कितना? 5। इसका आंसर हो जाएगा 5 नाउन। मैं बता देता हूँ, 1 प्रॉपर नाउन, 2 कॉमन नाउन, 3 कलेक्टिव नाउन, 4 मटेरियल नाउन, 5 अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, हिंदी में बता देता हूँ, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। ओके, तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर? 5 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पर, 29, 30 पर। चूज द सिनोनिम ऑफ लिटिल। लिटिल छोटा, ब्रो स्मॉल, ड्रॉन ब्लो, कौन सा होगा बताइए, कौन सा होगा? ब्रो स्मॉल, ड्रॉन ब्लो। पूछा है सिनोनिम, मतलब उसी टाइप का सिनोनिम, मतलब मिलता जुलता शब्द, लिटिल का मिलता जुलता शब्द सिनोनिम बोलते हैं, एंटोनिम बोलते हैं उसका अपोजिट। ठीक है, तो इसका स्मॉल हो जाएगा आंसर। क्या? लिटिल स्मॉल, मतलब छोटा, सिनोनिम मिलता जुलता। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पर, 31 पर ना, 31। ओके, चलिए क्या लिखा हुआ है? राइट द ऑपोजिट ऑफ हैप्पी, मतलब एंटोनिम पूछ दिया है ऑपोजिट उसका। सो हैप्पी, अनहैप्पी, डिलाइटेड, मॉर्निंग, क्या होगा? सो हैप्पी, इसका तो सिनोनिम है ना, सो हैप्पी खुश, लेकिन ऑपोजिट पूछा है, अनहैप्पी अनहैप्पी हो जाएगा, क्या होगा? अनहैप्पी। डिलाइटेड, ये भी खुश होता है, ठीक है, खुश होना। मॉर्निंग, ये विलाप होता है, बोल सकते हो विलाप, ठीक है, मातम होता है ना, विलाप मातम ये सब होता है, मॉर्निंग। ठीक है, ठीक है, शोक बोल सकते हो, शोक, शोक करना होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 पर। क्या आगे बढ़ते हैं? चूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा चलिए, चूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा होगा? 1 पर लिखा हुआ है, देखिए, व्हाट आर डैंस सी इच, ये होगा। 2 व्हाई आर यू क्राइंग, ये होगा। 3 आई एम बॉय होगा। देखो फिर लिखा हुआ है, दिस मूवी इज वेरी इंटरेस्टिंग, यह मूवी बहुत ही शानदार है, इंटरेस्टिंग। ठीक है, कौन सा होगा? इंट्रोगेटिव, पहले क्या आता है? डब्ल्यू एच वर्ड, पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा। ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, इंट्रोगेटिव होता है इसे, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। प्लस सब्जेक्ट आता है, प्लस मेन वर्ब, प्लस मेन वर्ब, ये होता है इंट्रोगेटिव। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हाई आर यू क्राइंग। देखो डब्ल्यू एच वर्ड है व्हाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है आर, उसके बाद सब्जेक्ट है यू, उसके बाद मेन वर्ब है, देखिए व्हाई आर यू क्राइंग, क्यों रो रहे हो, यही है व्हाई आर यू क्राइंग, क्यों रो रही हो। ठीक है, व्हाई आर यू क्राइंग। बढ़ते हैं आगे, चलिए 33 पर। क्या लिखा हुआ है? 33 पर आ जाइए, कॉम्प्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट ऑप्शन, दिस इज डैश एप्पल। अच्छा हम आ गए 33 पर, जो आर्टिकल से पूछा है, दिस इज डैश एप्पल, द होगा, आ होगा, एन होगा या नॉन ऑफ दिस, कौन सा होगा? ना एप्पल, साउंड क्या आ रहा है? आ रहा है, इसलिए एन हो जाएगा। दिस इज अन एप्पल, साउंड क्या आ रहा है? एप्पल से आ रहा है, इसलिए एन हो जाएगा इसका आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं 5 पर आ जाइए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्या लिखा हुआ है? अ वर्ड हैड लेट एक्स डैश द कर्निस। 34 पर आ जाइए, अ वर्ड हैड लेट एक्स डैश द कर्निस, क्या होगा? जस्ट बिलो होगा, नियर होगा, जस्ट अबव होगा या नॉन ऑफ दिच होगा, क्या होगा? ना जस्ट अबव हो जाएगा, अ वर्ड हैड लेट एक्स जस्ट अबव द कर्निस, यही होगा आंसर, 3 हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं 35 पर, मूव टू द नेक्स्ट। ओके, हु रोट द पोएम माई मदर, मेरी माँ, जो एक पोएम है किसने लिखे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम, क्या होगा? APJ अब्दुल कलाम हो जाएगा। हु रोट द पोएम माई मदर, उसका आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं 36, व्हिच ट्राइब डिड कली बिलोंग, क्या होगा आंसर? इरुला ट्राइब, संथाली ट्राइब, गोन ट्राइब या नॉन ऑफ दिच, ट्राइब बोलिए। व्हिच ट्राइब डिड कली बिलोंग्स, कौन सा आंसर होगा? इरुला ट्राइब हो जाएगा, इसका आंसर इरुला ट्राइब हो जाएगा।
इरुला ट्राइब, ओके ये वाला हो जाएगा इरुला ट्राइब, ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए 37 पर, द पोएट वंडर्ड लोनली एज आ, क्या होगा इसका आंसर? बबल होगा, क्लाउट होगा, लोफर होगा, रेनबो हो जाएगा, इसका आंसर क्लाउट हो जाएगा। द पोएट वंडर्ड लोनली एज आ क्लाउट, ओके। मूव टू द नेक्स्ट 38, ओके। नेम द सियाचिन रिफर्स टू अ लैंड विथ एन अबंडेंस ऑफ, समझा देता हूँ, सियाचिन शायद लद्दाख में है शायद, ठीक है। नेम द सियाचिन रिफर्स टू अ लैंड विथ एन अबंडेंस ऑफ, प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है? सियाचिन क्या मिलता है प्रचुर मात्रा में? वहाँ पर रोज, इनका आंसर हो जाएगा रोजेज। नेम द सियाचिन रिफर्स टू अ लैंड, बोल रहे कि रोजेज मिलता है प्रचुर मात्रा में, ठीक है, लद्दाख में है शायद। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 पर, हु हैड प्रीच्ड, किसने धर्म का उपदेश दिया? हु हैड प्रीच्ड धम्म इन भारत लैंड, मतलब हमारे जो भारत भूमि है उस पर किसने, हु हैड प्रीच्ड धम्म, धम्म का उपदेश किसने दिया? शंकराचार्य ने दिया, महावीर ने दिए, बुद्ध ने दिए या विवेकानंद? तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध जी, बुद्ध जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, 40 पर आ जाइए। नेम द सेक्रेट रिवर ऑफ इंडिया, पवित्र नदी कौन सा है इंडिया में? यमुना होगा या गंगा होगा या गोदावरी होगा या टेम्स होगा, कौन सा? यमुना होगा, गंगा, गंगा होगा इसका आंसर, क्या होगा? गंगा। कैसा लगा ये वाला मॉडल पेपर? आप पढ़िएगा इसको, जो एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम होगा, इसमें आएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।